आज राहुल जी जो हैं उसी जगह पर विराजमान हो रहे हैं, उनको इलेक्ट करा गया है। मैं समझती हूँ कांग्रेस जनों के लिए तो ये सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अंदर है, आप देख रहे हैं सारी जगह, और आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस दोबारा से किस तरह से होकर आगे बढ़ेगी और इस देश का नेतृत्व संभालेगी। और ये स्पष्ट नज़र आ रहा है, आज आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर जो चुनाव है, किस तरह से बौखलाहट के अंदर क्या क्या प्रहार नहीं करे जा रहे हैं राहुल जी के ऊपर। ये स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है और वो जानते हैं कि आने वाला समय जो है अब उनका ख़त्म हो गया है और राहुल गांधी जो हैं आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जरूर बने। गुजरात में जो चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरीके की राजनीति हुई, आप क्या मानते हैं कि चुनाव नतीजों के साथ ही जो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना उसकी खुशी दोगुनी होने वाली है, या आप इस बात को मानते हैं? बीजेपी के अंदर पूरी तरह से बौखलाहट है, जिस तरह से इस बारी चुनाव प्रचार करा है उन्होंने, और ऐसे निजी स्तर के ऊपर, इतने घटिया स्तर के ऊपर उन्होंने जो है उतर के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये ऐसी बातें आ जाती हैं तो उनकी ज़मीनी हालात जो है वो बहुत खस्ता है और वो बिल्कुल खिसक चुकी है। सारे देश ने देखा है कि जुमलों और झूठ के अलावा बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, होता कुछ और है। और फिर उसके ऊपर जो है सबसे बुरी बात ये है कि ये सारे देश ने देखा है कि ये राजनीति का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी जाती है। वो जो चीज़ है वो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक है और वो हम होने नहीं देंगे, ये देश नहीं होने देगा। राहुल गांधी जी आ गए हैं और आने वाला समय जो है ये पूरी तरह से इतिहास बनाएगा कि किस तरह से जो है ये 5 साल के लिए बीजेपी आई थी और किस तरह से दोबारा से लोगों ने उनको मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, आपस में गुटबाजी है, आपस में संगठित होना है। कांग्रेस के नेता खुद इस बात को मानते हैं कि संगठित अगर कांग्रेस हो जाए तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस भाग लगे, तो इसका परिणाम जो है वो आगामी चुनाव में कुछ और हो, खासतौर से हरियाणा के बदलाव बात करें अध्यक्ष जी। हमारा नेतृत्व राहुल और जो नेतृत्व साइड करता है, हम लोग सिपाही हैं, किसी रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग, और मैं समझती हूँ इसके ऊपर किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और जो इसका अनुशासन से रोड पालन नहीं करता, उस पर क्या मानते हैं आप? सब लोग इकट्ठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मतभेद बेशक हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि मतभेद मिटाए नहीं जा सकते। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा के अंदर आने वाले मिटा देंगे हरियाणा में, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस धड़ाले से सरकार बनाएगी। 10 के 10 MP कांग्रेस के आएंगे और ये तोहफा हम राहुल गांधी जी को उनका ये जो है अध्यक्ष बनने पर देंगे।